इस साल पूरी पूरी संभावना कि एक सबसे बड़ा आईपीओ और सबसे बड़ी कंपनी लिस्ट होने की तैयारी में, और वो है एलआईसी, भारत सरकार की कंपनी। सरकार ने बजट में कहा है पूरा इरादा है, लेकिन एलआईसी के आईपीओ आने से कितना फायदा सीडीएसएल और बीएसई को होगा और क्यों होगा, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। अनुराग, बताइए एलआईसी के आईपीओ का क्या असर पड़ेगा? देखिए, देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में साफ कर दिया है कि FY22 में ये आईपीओ आएगा। और उसके बाद दीपक सेक्रेटरी ने जो कहा है कि जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर होंगे उनके लिए 10% तक रिजर्वेशन होगा आईपीओ के अंदर, तो ये काफी बड़ा एक तरह से डेवलपमेंट है। और इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जो एलआईसी और वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इसके बाद जब 10% जो रिजर्वेशन होगा पॉलिसी होल्डर्स के लिए, तो देश में आईपीओ तक 1 करोड़ नए डीमेट अकाउंट खुलेंगे। और ये कम से कम की बात है, 1 करोड़ नए डीमेट अकाउंट खुलेंगे, क्योंकि जो एलआईसी के मौजूदा पॉलिसी होल्डर है उसकी संख्या 25 करोड़ के करीब है। तो 25 करोड़ जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स है उनके लिए मौका होगा एलआईसी का शेयर होल्डर बनने का भी। तो इसी वजह से ये माना जा रहा है कि जब आईपीओ आएगा तो 1 करोड़ के करीब जो है नए डीमेट अकाउंट खुलेंगे। और इसी को लेकर जो है अब एलआईसी ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो भी बदली है। जिस तरह से अब जो मार्च तक जो पॉलिसी बेची जाती है तो वहां पर जो है एजेंट इस तरह से पुश कर रहे हैं कि आप और किसी कंपनी की पॉलिसी मत लीजिए, एलआईसी की आप पॉलिसी लेते हैं तो जो आईपीओ आएगा उसमें आपके पास रिजर्वेशन रहेगा, आईपीओ में आपको शेयर मिल सकते हैं, क्योंकि एलआईसी के पॉलिसी होल्डर के लिए 10% तक का अतिरिक्त हिस्सा हो सकता है। तो काफी बड़ा डेवलपमेंट है। जिस तरह से दीपक सेक्रेटरी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 10% जो है रिजर्व रहेगा एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स के लिए, 10% तक रिजर्वेशन रह सकता है। तो इसका जो फायदा है सीधे सीधे किसको होगा? डिपॉजिटरी कंपनी को, यानी सीडीएसएल, सीडीएसएल की होल्डिंग कंपनी है बीएससी, तो इन दोनों कंपनियों के लिए काफी बड़ी ये डेवलपमेंट होगा आगे चल के। और अभी भी हम देखिए कि करीब करीब जो देश भर के अंदर डीमेट अकाउंट की संख्या है 4-4.5 करोड़ के करीब है और लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो एलआईसी का जो आईपीओ है एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा ओवरऑल डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ाने में। और क्योंकि एलआईसी से जुड़ा जो है हर किसी भारतीय का एक भावात्मक लगाव भी है, और पूरे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो एलआईसी का मार्केट शेयर है करीब 70% तक है, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए एक तरह से कहा भी जाता है कि एलआईसी लेनी है, तो हर भारतीय जो है वो कहीं ना कहीं चाहेगा कि जो ये आईपीओ है इसमें एलआईसी का शेयर होल्डर बने, क्योंकि 25 करोड़ जो शेयर होल्डर 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर अभी एलआईसी के हैं और आईपीओ तक आते आते इसकी संख्या और काफी बढ़ सकती है। बिल्कुल, और बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं अनुराग, अनिल जी, एलआईसी को लेकर वैसे भी कुछ छोटा तो होगा नहीं, पर 1 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल सकते हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग फिगर है उसका 20-25% ज्यादा। नेचुरली अगर सरकार इस बार रिटेल को एलआईसी के आईपीओ में अलग से डिस्काउंट दे, जो कि देना चाहिए, पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक अलग कोटा रखे, और इस बार तो वैसे भी आईपीओ की साइज बड़ी होगी, तो आमतौर पर नहीं तो रिटेल इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी दिक्कत है कि अच्छे आईपीओ में उन्हें पैसे अलॉटमेंट मिलते नहीं है। तो सरकार को करना ये चाहिए कि एलआईसी के जो पॉलिसी होल्डर है और एलआईसी के आईपीओ में जो रिटेल कोटा वाले हैं उन्हें एक स्पेशल डिस्काउंट भी दे जी, और एक स्पेशल उनके लिए थोड़ा सा अलॉटमेंट का कोटा भी बढ़ाए। अल्टीमेटली तो एलआईसी भारत सरकार की है और जो निवेशक पैसा लगा रहे हैं वो भी हिंदुस्तान के ही हैं। तो मैं कई बार एग्जांपल देता हूं कि जब आपके लिए बड़े आईपीओ हो या बहुत अच्छे आईपीओ सरकारी कंपनी के हो, तो जिस तरह से एक बार रशिया ने किया था, अपनी सारी सरकारी कंपनियों के आईपीओ लेकर जब आए उन्होंने लिस्ट करवाया तो उन्होंने सारा का सारा रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया जी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बाद में लिस्टिंग के बाद में जो खरीदना है जिस दाम पे खरीदना है खरीदे, रिटेल के लिए सारा, तो वो तरीका होना चाहिए जिससे रिटेल भी अपनी वेल्थ बना सके। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया मौका है सरकार के लिए एक इन्वेस्टमेंट कल्चर, इक्विटी कल्चर बनाने का जी सर। और जाहिर सी बात है कि इसका फायदा उन कंपनियों को होगा जो डिपॉजिटरी का कारोबार करती है, मसलन सीडीएसएल, एकमात्र एनएसडीएल तो लिस्टेड है नहीं, सीडीएसएल के लिए ये बड़ा बिग बूस्टर हो सकता है। 4.5 करोड़ डीमेट अकाउंट है टोटल, और समझिए 1 करोड़ कंजर्वेटिव साइड पर थोड़े कम भी खुले हैं, 50 लाख खुले हैं, 75 लाख खुले हैं, 1 करोड़ जितने भी खुले हैं,
लेकिन वाकई में ये बड़ा गेम बड़ा चेंजर गेम होगा। चेंजर तो मतलब ये साल फिर डिपॉजिटरीज के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और दूसरी बात है कि इनडायरेक्टली एक बेनिफिट बीएससी के लिए भी है, और जी वो इसलिए कि बीएससी एक तो सीडीएसएल का होल्डिंग कंपनी है, जी एक तरह से सीडीएसएल उनकी सब्सिडियरी करेक्ट कंपनी है। दूसरा ये कि ऑलरेडी अल्टीमेटली जो लोग अकाउंट खोलेंगे खरीदने बेचने का काम भी करेंगे, तो एक्सचेंज एक्सचेंजेस के लिए फायदा है, और उसमें कुछ बिजनेस बीएससी को होगा, कुछ एनएसयू के पास भी जाएगा। तीसरी बात एक और जो मैं देख रहा हूँ, बीएससी तो मेरा वैसे भी फेवरेट स्टॉक है, जी बजट से पहले भी मैं कह रहा था। करेक्ट अल्टीमेटली एनएससी भी अपना डीआरएसपी फाइल करने की तैयारी में है, जी बहुत जल्दी शायद उनका भी इश्यू आने की बातें सामने आ जाए, तो वो एक और एनएससी का जो वैल्यूएशन होगा वो बीएससी की रीरेटिंग करेगा। जी ऑलरेडी जो सुनने में आ रहा है कि एनएससी का स्टॉक 1700 1750 रुपये पर ट्रेड होना शुरू हो वाओ चुका है, लास्ट टाइम जब आपने अपडेट दिया था 1300-1400, 1600 तक आ चुका, नहीं हाँ हाँ 1550 1600 कुछ करेक्ट था, उससे पहले 1300 1350 और करेक्ट 1100 रुपए से हमने ट्रैक हम करना शुरू किया था। तो 1700 रुपए 1750 रुपए ऑलरेडी एनएससी के स्टॉक का दाम होता दिख रहा है, तो नेचुरली फिर बीएससी की रिलेटिंग होनी। तो ये दो स्टॉक ऐसे हैं जहां आप पैसा लगाएंगे तो इस साल भर में आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। बिल्कुल ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, दोनों आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। बिल्कुल पोर्टफोलियो में होने चाहिए। एलआईसी का आईपीओ होगा इनडायरेक्ट, बट बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट इन दोनों स्टॉक्स पर आ सकता है, और वैसे भी मार्केट तो अच्छे मूड माहौल में। एक बार सेठी साहब से भी राय ली जाए, सेठी साहब इस खबर पर और इन दोनों स्टॉक पर आपकी राय। बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही जबरदस्त खबर है, और कोइंसिडेंटली कल शाम का जो शो था बाजार आज और कल, वहां पे सीडीएसएल को ही मैंने लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी करने की सलाह दी थी विद कंजर्वेटिव टारगेट ऑफ 650 इन द नेक्स्ट 9 to 12 months, बट मुझे लगता है वो टारगेट बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। ये दोनों स्टॉक्स को जैसे आप बता भी रहे थे, जब ये एलआईसी का आईपीओ आता है और इस तरह से अगर 1 करोड़ या 50 लाख भी नए डीमेट अकाउंट खुलते हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होंगे दोनों स्टॉक्स। और सीडीएसएल तो मेरा पसंदीदा स्टॉक है, और आपको याद हो तो आपके गोल्डन बर्थडे पे जब आपने पूछा था तो मैंने आपको गिफ्ट के तौर पे यही स्टॉक सुझाया था, 240-50 के लेवल पे निवेशकों को खरीदने के लिए भी बोला था, तो अगर जिन्होंने लिया होगा तो वहां से पैसे डबल हो गए। और बाकी बीएससी भी एक पसंदीदा स्टॉक है जो आपने कई बार चैनल पर रिकमेंड किया है, और जैसे आप बता भी रहे थे उसी तर्ज पे मैं भी ये एक्सचेंज स्टॉक्स में, और मैंने जब जब आप बीएससी रिकमेंड करते हैं मेरे मुंह से आईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज निकलता है जो कि 180-185 के लेवल से अच्छा चल रहा है। तो ऑल इन ऑल ये सभी स्टॉक्स को इस खबर का बड़ा फायदा होना है।